ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट बैट इसका नाम है। फ्रूट बैट का के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये फल खाने वाली चमगादड़ है। ये दुनिया की सबसे साइज़ में बड़ी चमगादड़ होती है। दुनिया में ये 6 ममालिक में पाई जाती है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव शामिल हैं। तो हर मुल्क की अपनी पॉपुलेशन है। हमारे मुल्क में ये अपर साइड से लोअर साइड पे माइग्रेट करती है। इस वक्त ये जो सखर में नज़र आ रही हैं, ये इनका माइग्रेशन पीरियड है, और ये ड्यूरिंग माइग्रेशन अपना क़याम करती हैं। फ्रूट बैट जो है वो हर्बीवोर जानवर है, और ये इंसानों पे, ये गोश्त खोर नहीं है, तो इंसानों पे हमला करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गाय ने इंसान को काट लिया या किसी बकरी ने इंसान को काट लिया। तो जैसे गाय और बकरी इंसान को नहीं काट सकती या नुकसान नहीं पहुंचा सकती दांतों से, वैसे ये फ्रूट बैट्स भी नहीं पहुंचाती हैं। ये फ्रूट खाती हैं, जो फ्रूट बन रहे होते हैं दरख्तों के ऊपर, जो रिप फ्रूट फ्रूट होते हैं ये वो खाती हैं। ये उनके दरख्तों के में जो फूल होते हैं उनका नेक्टर चूसती हैं, जिसकी वजह से इनको नेक्टेरिवोरेस भी कहते हैं। इसके अलावा माहौल में इनकी अफादियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है कि ये एक दरख्त से जो फूल के पोलन होते हैं वो कैरी करके दूसरे दरख्त तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो एनवायरनमेंट में इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, और इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, सखर के शहरियों को इसे डरने या घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इंसानों पे हमला नहीं करती। डीसी साहब ने, जावेद साहब ने से कल हमारी मीटिंग हुई डीसी ऑफिस में इस मसले के ऊपर, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने इन्वेस्टिगेशन कराई खुद, और जिस बंदे के इन चमगादड़ों के हाथों ज़ख्मी होने का ख़बर चल रही थी वो हमने इन्वेस्टिगेट किया तो वो झूठी है, और ऐसा कोई चमगादड़ ने किसी इंसान पे हमला नहीं किया है। अभी तक हमने भी 12 ये मीडिया के तवसत से सखर के लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी के पास इस तरह का कोई एविडेंस है तो वो हमें दे दें, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर कल डिटेल डिस्कशंस के बाद ये तय पाया कि इनको, इनकी एजुकेशन और अवेयरनेस लोगों को दी जाए कि इनसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फल खाती हैं, फूलों का रस चूसती हैं, या पत्ते खाती हैं, या सब्जियां खाती हैं, तो इसमें खामखा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, और इनको नुकसान पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक इंसान इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो ये किसी इंसान के ऊपर कभी भी हमला नहीं करती। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो हमला करेंगी, लेकिन इसलिए भी नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये फ्रूट के जो फूल होता है ना, जब जिस वक्त वो फूल की पोजीशन पे होता है उस वक्त ये उसका रस चूस के और उसके पोलन नर से मादा को कन्वर्ट करते हैं, तो ये नुकसानदेह नहीं है किसी भी सूरत में। अगर ये आपके सिस्टम से निकल गई तो जो, देखें जैसे इंसानों में नर और मादा होते हैं तो औलाद नर और मादा के मिलने से पैदा होती है, ऐसे दरख्तों में भी नर और मादा होते हैं, मेल के पोलन जो हैं वो ट्रांसमिट होने होते हैं फीमेल ट्री में। तो जब तक वो मेल के स्पर्म्स जो हैं वो पोलन ट्रांसमिट नहीं होंगे तो आप फ्रूट कहाँ से लेंगे। तो ये कहना कि इनके होने से फलों को नुकसान पहुँचा या इनके होने से सब्जियों को नुकसान पहुँचा, ये तासुर भी गलत है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो आपके फलों को और सब्जियों को नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, तो लोगों को अवेयर करने के लिए क्या डिसीजन थे पाया है कि क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ के जो शक्कर के बाशिंदे हैं वो तो इनकी चेहरा देख के या इनकी बातें सुन के वो बहुत परेशान है। देखें, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि असल में परिंदों का बिहेवियर होता है, हर किसी का अपना एक बिहेवियर होता है। इन चमगादड़ों को अल्लाह ताला ने इस तरह से तख्लीक किया है कि ये चमगादड़ें दरख्त पे उल्टा लटकती हैं, गर्मी जहाँ भी होती है वहाँ ये उल्टा लटक के अपने परों को फड़फड़ाती हैं अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि इनके जिस्म पे बाल नहीं होते। ये बसेरा करती हैं आबादियों के करीब, क्योंकि इनको खाना आबादियों के करीब मिलता है।